काला जादू क्या होता है? क्या इसका इस्तेमाल करके किसी की जान ली जा सकती है? काला जादू सच है या कोई मनगढ़ंत कहानी? क्या आज भी भारत में काले जादू का इस्तेमाल किया जाता है? इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको आज के वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ो वीडियो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के थ्रू मैं किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहता। काले जादू को आप समझ सकते हैं बंच ऑफ एनर्जी, जिसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है या फिर एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान की तरफ भेजा जाता है। देखो, ये बात तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, एनर्जी को ना ही पैदा किया जा सकता है और ना ही इसे खत्म किया जा सकता है। इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और इस बात से आप भी एग्री करते हैं कि अगर पॉजिटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है तो नेगेटिव एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। एंड ब्लैक मैजिक यानी काला जादू इज ऑल अबाउट दी नेगेटिव एनर्जी। काले जादू में नेगेटिव एनर्जी को एक इंसान दूसरे इंसान के पास भेजता है। ऐसा माना जाता है कि ये नेगेटिव एनर्जी किसी बुरी आत्मा से मिलती है। काले जादू की एक खास प्रक्रिया से उस आत्मा को सामने वाले व्यक्ति का बुरा करने के लिए मना लिया जाता है। काफी पुराने जमाने से भारत के साथ साथ दुनिया के कई हिस्सों में एनर्जी का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए, उनके इलाज के लिए या उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए किया जाता था। इसको कई लोगों ने जादू का नाम दे दिया। लेकिन जब इस विद्या का इस्तेमाल गलत कामों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए या दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है तो लोगों ने इसको नाम दे दिया काला जादू। देखो, जो ठीक वैसा ही है जैसे कि गन का आविष्कार। गन को बनाया गया था आत्मरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। भारत में काले जादू का चलन काफी सालों पुराना है। तंत्र मंत्र द्वारा इंसानी वशीकरण इसकी मुख्य कैटेगरी में आता है। जो लोग काला जादू करते हैं उनको तांत्रिक कहा जाता है और भारत में असम और बंगाल काले जादू का गढ़ हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में काले जादू को बैन कर रखा है। ऐसा नहीं है कि काला जादू केवल भारत में ही किया जाता है। काला जादू सबसे ज्यादा अफ्रीका में भी किया जाता है। वुडू डॉल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये काले जादू का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। वुडू में जिस इंसान को शिकार बनाया जाना होता है उसके कपड़े के टुकड़े या बाल का इस्तेमाल करके एक गुड़िया बनाई जाती है। काले जादू और तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके बुरी आत्मा को बुलाकर उसे वुडू डॉल में डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद डॉल के साथ जो भी किया जाता है उसमें सुइयां चुभोई जाती है, उसको तकलीफ दी जाती है, तोड़ा मरोड़ा जाता है या जलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी उस डॉल के साथ होता है वही सेम फीलिंग उस व्यक्ति को भी आती है जिसके लिए वुडू डॉल बनाई गई थी। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि वुडू डॉल का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की जान तक ली जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि लोग वुडू शब्द को काले जादू के साथ जोड़ते हैं। आपको कई न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में दिख जाएगा कि अफ्रीका में जो काला जादू किया जाता है उसको वुडू कहा जाता है। बल्कि फैक्ट तो यह है कि वुडू एक धर्म नाम है और अफ्रीका में आज भी इस धर्म को माना जाता है। इस धर्म को मानने वाले लोग जादू का इस्तेमाल करके लोगों की तकलीफों को दूर किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन चीजों का इस्तेमाल गलत कामों में किया जाने लगा। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो लोग वुडू की प्रैक्टिस करते हैं या वुडू डॉल को यूज करते हैं वो लोग बुरे होते हैं, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि जादू का इस्तेमाल आजकल केवल बुरे कामों में ही किया जाता है। आई एम श्योर कि ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि काला जादू चीज क्या है। अब इस बारे में बात करते हैं कि क्या वाकई में काला जादू एग्जिस्ट करता है। देखो, सबसे पहली बात तो भारत ही नहीं, दुनिया के हर देश में जादू पर विश्वास किया जाता है। हर धर्म और हर संस्कृति में इस तरह की चीजों का जिक्र होता है। जैसे हिंदू संस्कृति में भूत पिशाचों का जिक्र होता है, इस्लाम में जिन्न का जिक्र होता है और क्रिश्चियन कल्चर में सैटन मतलब शैतान का जिक्र होता है। मतलब बुरी आत्मा और नेगेटिव एनर्जी पर दुनिया का हर धर्म विश्वास रखता है और भारत सहित कई देशों में काले जादू पर बैन लगा दिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उस पर गवर्नमेंट को बैन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने काले जादू को इंडिया में क्यों बैन कर रखा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक रीजन मैं बता देता हूँ। देखो, काले जादू और टोने टोटके के नाम पर अनपढ़ और गरीब लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, उनसे पैसे ठग लिए जाते हैं। कुछ लोग जादू टोने के नाम पर गलत काम करते थे, लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करते थे और इसमें कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं।
जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को जब कोई बीमारी हो जाती थी तो उसको बुरी आत्मा का साया बताकर लोग अस्पताल में ले जाने की बजाय उसको झाड़फूंक करवाते थे, जिससे बच्चे की जान खतरे में पड़ जाती थी। और इस तरह की चीजों को रोकने के लिए सरकार ने काले जादू नाम की चीज पर बैन लगा दिया। हालांकि आज भी बहुत सारे लोग काले जादू पर विश्वास रखते हैं, जैसे कि भाई कोई काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, घर के बाहर नींबू मिर्ची लटकाते हैं और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं आपको साफ कर दूं कि बहुत सारी चीजें जिनको अंधविश्वास माना जाता है, इनके पीछे भी साइंटिफिक रीजन होते हैं। मैंने काफी टाइम पहले एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी थी जिसका टाइटल था अंधविश्वास सत्य या तथ्य। उसमें जो भी अंधविश्वास थे जिनका कोई लॉजिकल रीजन था उसको बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया था। मैं फ्यूचर में हो सकता है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं केवल काले जादू के बारे में। काले जादू को मानने के पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है, ये कोई गैर वैज्ञानिक घटना नहीं है। साइंटिफिक रूप से भी ये चीज मानी जा चुकी है कि किसी एक पर्सन द्वारा उसकी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव सोच का दूसरे व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होती है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि काला जादू इज ऑल अबाउट नेगेटिव एनर्जी। बस बहुत सारे लोगों को उस एनर्जी को कंट्रोल करना और एक इंसान से दूसरे इंसान तक भेजना नहीं आता। जिनको आता है वो लोग ये जादू करते हैं और दूसरों का बुरा कर सकते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा या काफी लोगों के मुंह से सुना होगा कि यार इसने उस पर काला जादू कर दिया, उसको तरह तरह की चीजें दिखने लगी, उसके साथ घटनाएं होने लगी। तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, काला जादू आपके माइंड पर इफेक्ट करता है। ये नेगेटिव एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें छुपी हुई हैं उनको आपके सामने ला देती हैं। आपको तरह तरह के भ्रम होने लगते हैं, आपको चीजें दिखने लगती हैं। कभी कभी तो जिस पर काला जादू किया जाता है वो ऐसी हरकतें करने लगता है कि लोग उसको पागल समझ बैठते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, अगर धुआं उठा है तो आग भी कहीं ना कहीं जली होगी। देखो, ब्रेन पावर की शक्तियों का अंदाजा इंसान को अभी बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी मानसिक शक्तियों से चीजों को हिला लेते हैं, बिना हाथ लगाए चीजों को उठा सकते हैं। मतलब हमारे ब्रेन में इतनी पावर होती है कि वो हवा में जो एनर्जी अवेलेबल है उसका यूज करके चीजों को मूव करा सकते हैं। तो क्या ये चीज पॉसिबल नहीं है कि अपने आसपास की जो एनर्जी है उसको कंसंट्रेट करके दूसरे इंसान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके? बिल्कुल पॉसिबल है, बस बात यह है कि लोग इसका इस्तेमाल गलत कामों में करते हैं और 90% लोग जो अपने आप को तांत्रिक बुलाते हैं उन्हें इन सब चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता। वो बस लोगों से पैसा ठगने के लिए जादू टोने के नाम का यूज करते हैं। यार देखो, मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी क्लिप्स दिखा सकता था जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे प्रूफ दे सकता था कि हाँ, काला जादू होता है, तांत्रिक विद्याएं होती हैं, भूत प्रेत होते हैं। लेकिन काला जादू एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सेंसिटिव है, खासकर इंडियंस के लिए। अगर मैं ऐसी कोई भी गलत चीज अपने वीडियो में दिखाऊंगा तो हो सकता है मेरे ऑडियंस में से कोई इस चीज पर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगे। इसीलिए आज की वीडियो का जो कंटेंट है उसको मैंने रियलिटी और फैक्ट्स के बेस्ड पर ही रखा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हर वीडियो के बाद मैं करता हूं सीसी। सीसी तो आप लोग समझ ही गए होंगे ना भाई लोग, कमेंट चेक। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हर वीक मैं लेकर आता हूं ऐसे ही मजेदार मिस्टीरियस वीडियोस। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। ये कोई ब्लूपर्स नहीं है, बस कुछ बातें थी जो कहनी थी। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे मालूम है बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, गलती उनकी नहीं है, हो जाता है, ध्यान नहीं रहता। मेरे साथ भी हुआ था कि मेरा एक बहुत फेवरेट चैनल है और मैं उसको रोज़ देखता था। एक दिन जब मुझे उसके वीडियोज़ अपनी टाइमलाइन पर नहीं दिखे तो मैंने उसे सर्च किया और पाया कि अरे, मैंने तो उसको सब्सक्राइब ही नहीं किया था। तो हो जाता है, देख लो एक बार तुम भी ध्यान से। नीचे सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो से सब्सक्राइब कर लो। हम 200 के सब्सक्राइबर को टच करने वाले हैं, काफ़ी नज़दीक हैं, तो अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर देना। और हाँ, एक चीज़ और, मैं बार बार इंस्टाग्राम पर फॉलो करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। उसका रीज़न बस ये है कि यार देखो, यूट्यूब पर चैनल हैक होते रहते हैं, आपने सुना ही होगा। और रिसेंटली मेरा चैनल, मेन चैनल हैक हो गया था और हैकर्स ने उसके बस काम लगा ही दिए थे, बट थैंक गॉड के वो वापस आ गया मेरे पास। बट उससे चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाती हैं। मतलब मेरे पास तो दो चैनल थे तो मैं एटलीस्ट आप लोगों से जुड़ा रहा, लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यार, एटलीस्ट एक और ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर हम लोग जुड़े रहें, जहाँ पर मैं आपको बता सकूँ कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। यहाँ पर तो केवल वीडियोज़ आते हैं, वहाँ पर तो मैं लाइव भी आकर आपसे बात कर सकता हूँ, अपने फ़ोटोज़ भी शेयर कर सकता हूँ, हम लोग जुड़े रह सकते हैं, आप लोग चैट कर सकते हो, मुझसे मैसेजेस भेज सकते हो। तो इंस्टाग्राम की लिंक सामने दी हुई है,
और अगर ज़्यादा आलसी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, जाकर फॉलो ज़रूर कर लेना। और बस यार 1000 फॉलोअर तो करवा दो यार, मतलब हद हो गई।